भारत में आधार कार्ड हर आदमी की पहचान बन चुका है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार बेहद जरूरी है और आधार से जुड़ी डिटेल को अपडेट कराते रहना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन कई बार हमें एड्रेस अपडेट कराने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर आप घर बदल रहे हैं तो साथ में वैलिड एड्रेस प्रूफ देना होता है। अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव कराना चाहते हैं या अपडेट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपना आधार ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस सिर्फ तभी अपडेट होगा जब आप कुछ शर्तों को पूरा करेंगे। आधार में रेजिडेंट, जिसे पता अपडेट करना है, और एड्रेस वेरीफायर, दोनों का मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। रेजिडेंट और एड्रेस वेरीफायर दोनों को वन टाइम पासवर्ड के जरिए पुष्टि करनी होगी। रेजिडेंट को एड्रेस वेरीफायर का पता इस्तेमाल करने के लिए उनकी इजाजत लेनी होगी। UAIDAI की वेबसाइट पर जाएं और नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। माई आधार टैब में रिक्वेस्ट आधार वैलिडेशन लेटर को सिलेक्ट करके मंजूरी ली जा सकती है। सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाइए और माई आधार टैब में एड्रेस वैलिडेशन लेटर पर क्लिक करें। यहाँ रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर का एक पेज खुलेगा। अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी कोड डाल दें, कैप्चा कोड भरें, इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर दें। रजिस्टर नंबर पर आए OTP को अब इनमें डाल दें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें। अब अपने वेरीफायर डिटेल्स को शेयर करें। अपने एड्रेस वेरीफायर का आधार नंबर डाल दें। वेरीफायर को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मंजूरी देने के लिए SMS के जरिए लिंक भेजा जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद वेरीफायर को वेरिफिकेशन के लिए OTP के साथ दूसरा SMS भेजा जाता है। OTP कैप्चा भरने के बाद वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद आपको SMS से सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। अब SRN से लॉगिन करें, एड्रेस को प्रीव्यू करें और सबमिट कर दें। सबमिट होने के बाद आपको एक लेटर मिलेगा। लेटर के साथ सीक्रेट कोड और एड्रेस वैलिडेशन लेटर वेरीफायर के एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा UAIDAI की वेबसाइट पर जाकर प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस पर क्लिक करें। यहां आधार से लॉगिन करें, अपडेट एड्रेस वाया सीक्रेट कोड का विकल्प चुनें। सीक्रेट कोड दर्ज करने के बाद नए एड्रेस को देख लें और सबमिट पर क्लिक करें। आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर स्क्रीन पर दिखेगा। इन्हीं कुछ आसान स्टेप्स की मदद से आप आसानी से अपने आधार कार्ड के नए एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं।